तो हम ये चाहते हैं काम कम करें, हमें लाभ घना हो, सुख ज़्यादा हो, हाथ पाँ थोड़े अलावा। लेकिन यहाँ तो चाहे प्रधानमंत्री बन ले, सपने में भी चैन नहीं है। एक दो प्रकार का परिश्रम हट जाएगा, बाकी ज्यों के तो बने रहेंगे। माइंड की जो रिहर्सल है वह बढ़ जाएगी आपकी टेंशन, तो वहाँ जाकर सुख मिलेगा आपको। और उस सुख की, उस लोक की प्राप्ति के लिए परमात्मा अपना ज्ञान खुद देने के लिए आते हैं। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि तुम कितने दिन हो गए यहाँ कष्ट उठातों को, कोट जन्म तन भर मत हो गए और कुछ नहीं हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे, सर्व सोने की लंका होती रावण से रण धीरम, एक पलक में राज बिराजी व जमके पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा यसरे। अब सारी सोने की लंका बना रखी थी, महल भी सोने की ईंटों से, स्वर्ण गोल्ड गारा के स्थान पर भी सोना प्रयोग कर रखा था उसको बद्दी जीव ने। और परमात्मा कहते वो मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर, और कंस के सी चाणोर से हरणाकुश बलबीर, तेरी क्या बुनियाद है तो जीव जन्म धर दलेत, गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा के कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, आज प्रधानमंत्री बन जा कोई और कल मृत्यु होगी, फिर गदा बना खड़ा है, बता खाक ले गया वो, क्या लिया उसने, क्या हाथ लगा उसको। तो परमात्मा कहते हैं आप सभी ना जाने कितनी बार इंद्र बन लिए स्वर्ग के राजा, कितनी बार पृथ्वी के राजा, कितनी बार देवता पद प्राप्त कर लिया, और गधे कुत्ते के योनियां भी आपने असंख्य बार भोग ली। आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है कि जैन धर्म का इतिहास, महावीर जैन वाली आत्मा थी और वो मारीची नाम से पहले ऋषभदेव का पोता था, उसकी हिस्ट्री आपको दिखाई कि वो तो वेद अनुसार साधना करने वाला, 60 करोड़ बार घोड़ा, 30 करोड़ बार गधा, कुत्ता, पता नहीं कितनी होनी, और 80 लाख बार देवता बना, देव पद भी प्राप्त कर लिया, फिर कुत्ता बन गया, बाढ़ में जाओ देव पद जब कुत्ता बन गया खड़ा है। तो यहाँ बताते हैं परमात्मा कि कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे, कुत्ता सुअर गधा और बुगला ना जाने कितने जुनी भोग ली तूने। फिर क्या बताते हैं कोट जन्म तू राजा की न मिटी नमन की आशा, राजा बन के भी आपको संतोष नहीं हुआ, मृत्यु होगी। फिर क्या बताते हैं और भिक्षुकों के तू दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा, आपने ऐसी कठिन साधनाएं भी की हैं, घर त्याग दिया, जंगल में जाकर झोंपड़ी डाल ली, गांव से कुछ मांग ले गया रोटी टुकड़ा, 5-7 रोटी ले गया, 2 खा ली, 2 टांग देते थे वृक्ष के सूख जाती थी, अगले दिन भिगो के खा लेते थे ताकि भक्ति में बाधा ना बने, बार बार मांगने जाऊँगा समय व्यर्थ होगा। तो उन रोटियों को 3-3, 4-4 दिन सुखा के चला लिया करते थे साधक, और साधना कौन सी करते थे, ये डड़े डोया करते, हठ योग करके वो दूसरी उपासना करते रहे, या वेद अनुसार ओम तक के जाप से भी मोक्ष नहीं है जीव को, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। तो परमात्मा कहते आपने ऐसी ऐसी साधनाएं कठिन कर रखी है और उसे क्या मिला, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वन धर्मराया, इंद्र बन गया स्वर्ग का राजा और कुबेर धन का देवता वित्त मंत्री बन गया तू, और ईश की पदवी ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी आपने प्राप्त कर रखी है। पुणात्मा ज्ञान के टोटे में हमने कोई बकाले था, ये जो ब्रह्मा कुमारी पंथ है ना, ये एक भूत का चलाया हुआ है, ये लेखराम जी श्राफ, ये अच्छी आत्मा के आदमी थे, पिछले पुनकर्मी प्राणी थे, इसमें कोई प्रेत प्रवेश कर गया जो कभी ब्रह्मा पद पर रहा था। अब जैसे गांव का सरपंच हो
और वो सरपंच फिर रहता नहीं, दूसरा बन जाता है, तो वो फिर भी उसको लोग सरपंच साहब कहा करें, और वो भी फिर नो क्या कौन है भाई सरपंच बोल रहा हूँ फलाना में, हालांकि वो वर्तमान में सरपंच नहीं है। वो अपनी उसकी एक ऐसी धारणा सी बन जाती है कि लोग इस सरपंच के अंत तक जान जाएंगे मैंने कौन सा है भाई प्यारे लाल सो सरपंच अच्छा भाई, हालांकि वो वर्तमान में सरपंच नहीं है। तो ऐसे ही वो कोई प्राणी ब्रह्मा के पद पर था, और ब्रह्मा का समय है सीमित, 100 वर्ष की आयु है इसकी, इनके वर्ष बहुत लंबे चौड़े बनते हैं, जैसे 4 युग है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इनको मिला के एक चतुर्युग बनता है, और इनकी टोटल जो कुल वर्ष हैं 43,20,000 होते हैं चतुर्युग में, तो वो काउंटिंग नहीं हो पाती, इसलिए चतुर्युग कह दिया इसको। 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, 1,000 चतुर्युग की रात, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना इनका बनता है, और 12 महीने का 1 वर्ष ब्रह्मा जी का इन देवताओं का, और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी मर गया युग काल पहले, अपनी दुर्गा के साथ एक पुत्र उत्पन्न करके गृहस्थ कर्म से तैयार रखता है, और उसको युवा होने तक उसको पता है मरेगा, ये फिक्स है इनकी समय, उसको कोमा में रखता है, प्रवेश जारी रखता है, इसके मरते ही दूसरा दर देता है कमल के फूल बैठा के, और फिर उसने उस गद्दी पर बैठा देता है। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, और 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शंकर की मृत्यु होती है। तो इस प्रकार वो प्रथम जो पहले वाला जो ब्रह्मा या विष्णु मृत्यु को प्राप्त होता है वो आम प्राणी की योनि में चला जाता है, लेकिन उसको फिर से आभास रहता है। जैसे यहाँ बहुत से आप आते हैं देखते हैं, एक भगत कह रहा था कि मेरे लड़के में एक पुलिस वाला SHO था, वो बोले अरे नो बैठ जा कड़के नो, मैं थानेदार हूँ थानेदार। बोला भाई थानेदार तू जाए हमारा पीछा छोड़, सारे जाड़े जुड़े लगा लिए, वो प्रेत बन रहा थानेदार। तो ऐसे ही उस लेख राज के अंदर वो कोई पूर्व जन्म में ब्रह्मा पद पर रहा था वो भूत, वो बोलने लगे आँख लाल होगी, दास ने उनकी सारी हिस्ट्री लिख रखी है, फिर सुनाऊंगा इतना टाइम नहीं। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे परमात्मा कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले स्वामी पद को प्राप्त कर चुके हो तुम, और ब्रह्मा वर्ण धर्म राया विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी वापस आया, तुम विष्णु जी को सुप्रीम मानते हो, और विष्णु जी की भी मृत्यु और उसमें गए हुए प्राणी की भी मृत्यु, तो फिर भी जन्म मृत्यु रही आपकी। इंद्र कुबेरीज की पदवी है। अब पुणात्माओं इन आध्यात्मिक उदाहरणों से आपको दृढ़ता आवेगी इस ज्ञान के समझन में। स्वर्ग का राजा कैसे बनता है, ये या तो तप करता है या धर्म यज्ञ करता है, 100 धर्म यज्ञ करनी पड़ती है इसको, जिसमें 100 मन देसी घी लगाना पड़ता है, और ऐसी ऐसी 100 धर्म यज्ञ करनी पड़ती है, तब वो इंद्र की पदवी प्राप्त करता है। और इसके दौरान जो वर्तमान का इंद्र होता है स्वर्ग का राजा, उसको एक हिदायत होती है, उसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि यदि तेरे शासनकाल में किसी अन्य व्यक्ति ने इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य साधना कर ली, वो सफल हो गया, तो तुझे पद से हटाया जाएगा, उसको विराजमान किया जाएगा। इसको चिंता बनी रहती है कि कोई तेरे शासनकाल में और कोई ऐसा तप साधना ना कर ले जिसे तेरा राज चला जा, इसलिए यहाँ पर गुप्त रूप में देवता और देवियों की जो उसके अंतर्गत वो तो नौकर हैं उसके, देवी देवता स्वर्ग के राजा के, उनकी ड्यूटी लगा देता। तो आपने देखा होगा विश्वामित्र जी साधना करें थे, अरे एक मेनका नामक परी आ गई इंद्र की भेजी हुई, उसके ऊपर आसक्त हो गया, उसके उसकी झोपड़ी में रही एक लड़की होते और छोड़ के चली गई, अक्षय बाल ऋषि जी तेरा कर दिया काम।
तो इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि कोई ऐसी तपस्या ना कर ले जिससे तेरा इंद्र पदवी जावे और राज प्राप्ति के लिए राजा लोग ना जाने के अनर्थ करा दे, लाखों लोग मरवा देते हैं, इन पता नहीं के जुल्म करवा देते। तो इंद्र उस इंद्र की पदवी के प्राप्त करने के लिए कहाँ तक गिर जाते हैं ये। एक मारकंडे नाम के ऋषि साधना कर रहे थे, अपने आत्माओं जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही बताया गया है कि जो भी जैसी साधना कर रहा है उसको पापनाशक जानता है, उसको श्रेष्ठ मानता है। अब मारकंडे ब्रह्म साधना कर रहे थे इस ज्योत निरंजन की, वेदों अनुसार ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग और अड़ंगा डाल दिया इन्होंने। हठ योग ये कहाँ से लाए? हठ योग कोई वेद में हठ योग नहीं है और ना गीता के अंदर इस हठ योग का प्रावधान है, ना वेदों के अंदर है, ना सूक्ष्म वेद के अंदर है। किसी महापुरुष का वर्णन नहीं है कि हठ योग करके हजारों वर्ष बैठे रहो। ये कहाँ से लिया इन्होंने? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था और ब्रह्मा जी से इन्होंने ज्ञान प्राप्त है सारा, तो इसने बताया कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से जन्म हो गया मेरा। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। तो इसने सोचा भगवान की आकाशवाणी होगी, तप करने लग गया, 1000 वर्ष तप किया, फिर कहा कि जाओ सृष्टि करो। अब तप करवा दिया उस काल ने आकाशवाणी करके, इसने सोची भगवान का आदेश है और बाद में वेद में ले इनको, वेदों में है नहीं ये तप करने का प्रावधान। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से तो वो ले लिया तप और वेदों से ले लिया ओम नाम, खिचड़ी बना ली। अब ओम नाम का जाप तो थोड़ी देर करें ये, फिर तो बाकी समाधि में ज़्यादा लीन होते। समाधि क्या चीज़ है? जैसे आप फिल्म देखते हो वैसे आप आध घंटे इस मन ने टिका नहीं सकते, कभी उठोगे कभी बैठोगे कभी इधर देखोगे, चल वहाँ घूम आते हैं। और फिल्म 3-3 घंटे 4-4 घंटे नुआंख पाड़े बैठा रहे, क्यों? उसमें नए नए बकवाद इस मन को दिखे तो वहाँ टिका रहता है। इसी प्रकार समाधि क्या होती है? शरीर में खोज जाए इन्होंने भगवान और परमात्मा के प्राप्त संतों ने और भगवान ने कहा कि अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। तो इसके अंदर जो चैनल बने हुए कमल, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, जौन सा चैनल ऑन करोगे और उसमें जो भी आपको आपका चैनल ऑन हो गया, उस कार्यक्रम जहाँ भी जहाँ से हो रहा है वहाँ उसमें दिखता रहेगा, आप देखते रहोगे। अब क्या होता है, ये ऋषि लोग पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की तरफ में भटकते हैं, उनको जैसा मार्ग मिलता है उसमें वो दृढ़ होकर लग जाते हैं। तो किसी भी कारण से उसका कोई कमल खुल जाता है और वो चैनल ऑन हो गया चैनल, उसमें वो क्या देख रहा था? ब्रह्म लोक में उसकी समाधि पहुंच गई। और ऊपर के लोग क्या हैं, उनमें जैसे रेस्टोरेंट हैं प्रत्येक शहर में, बड़े शहरों में बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें सारी बकवाद न्यारी होती है, नाचने गाने वाले, शराब घुटी वटवट। तो इसी प्रकार ऊपर जो भी लोग हैं उनमें यही सांग है, कोरी बकवाद हैं, अपनी पूंजी नाश करनी है, पुनों के आधार से आपको स्वर्ग प्राप्ति होती है। जैसे साहूकार व्यक्ति सेठ गर्मी के मौसम में मई जून के अंदर पहुंच जाता शिमला के अंदर, वहां कमरा ले ले किराए पर होटल में और 20-30 हज़ार रुपये लेकर जाता है, 2 महीना में उसने फूक फाक कर खा कर मौज माज कर कर वापस जेब कटवा कर अपने कर्म क्षेत्र में आ जाता है। इसी प्रकार ये स्वर्ग हैं यहाँ के, चाहे ब्रह्म लोक के हों, चाहे विष्णु लोक के हों, चाहे शिव लोक के हों और चाहे कोमन स्वर्ग हो। अपनी पूंजी नाश करने के लिए प्राणी वहाँ जाता है, पुण्य नष्ट कर देता है। वहाँ इनके चार्जिंग हैं, किसी में 10%, किसी को 15%, किसी में 25%। आपकी पुनों से ही वो अपना खर्चा चला रहे हैं। पुण्य समाप्त होते ही आपको नरक जाना होता है, नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में जाना होता है। तो ऐसे मार्कंडेय ऋषि को ज्ञान था कि ब्रह्म साधना उत्तम है, जैसा इनको मालूम था। तो वो ब्रह्म साधना करते करते ब्रह्म लोक में उसकी समाधि पहुंच गई और वहाँ जो कुछ हो रहा था नाच गाना वो वहाँ देख रहा था। आधी आँखें खुली थी आधी बंद थी। इंद्र को पता चला, किसी ने बताया कि ऐसे एक मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में घोर तप कर रहे हैं और तेरी गद्दी को खतरा है। इंद्र ने एक उर्वशी भेजी
अप्सरा उसका वो तप खंड कराने के लिए, और उसको ऐसी सिद्धियां दे दी, उसने आसपास आधा किलोमीटर के अंदर से ऐसी सुंदर हवा चला दी, शीतल और बसंत जैसा मौसम बना दिया, और कहीं से ऐसी मीठी मीठी गानों की आवाज़ शुरू होगी, और वो उसके सामने 50 फुट पर दूर नाचने लगी मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि आधी आंखें खोला था, आधी बंद थी। अब उसने नाचते नाचते सारे अपने जो क्रियाक्रम थे कर लिए, वो नहीं टस से मस हुए तो लास्ट में नीवस्त्र होगी, कमर का नाड़ा तोड़ दिया। तब मार्कंडेय ऋषि बोला, हे बेटी, हे बहन, हे माई, तू हमारे किस लिए आई? शर्मिंदा होकर कपड़े वस्त्र पहन कर कहने लगी, हे मार्कंडेय ऋषि, इस वन में जितने भी और साधक थे वो तो मुझे देखते ही फेल हो लिए थे, और आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि वहाँ थी जहाँ तेरे जैसी तो उन वहाँ के नाचने वालियों की नौकरानियाँ थी, पैर धोया करती उनके धोती हैं, तुझे क्या देखूँ, तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज। तब उसने कहा कि मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ, इंद्र के स्वर्ग के राजा की पत्नी खूबसूरत होती है, वही पटरानी बनती है, और पिछले पनों से ही वो आधार उसका बनता है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि फिर आप यहाँ क्या करने आई, कि आप मेरे साथ चलो इंद्र लोक में, नहीं तो मैं दुहागण करूँ की जाऊँगी, मुझे सजा दी जाएगी, तू हार का आगी, मेरी इज्जत रख दो। मार्कंडेय ऋषि बोला कि एक बात बता, जब इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी? अब वो लड़की कहती है कि मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्र वरूंगी, 14 इंद्र पति बनाऊंगी। अब देखो पुण्यात्माओं, हमने कितने योग हो गए डले डोत्या ने, जैसे परमात्मा ने कहा है कि भिक्षुक लेकर होकर दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा, ये वास्तविक मार्ग आपको प्राप्त ना होने से कितनी साधनाएं कठिन की, उसका क्या क्या बेनिफिट आपको मिला। अब उस आत्मा जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है, उसका जीवन काल और स्वर्ग का समय कितना, 1000 चतुर्युग का, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन का, 72 चौकड़ी युग, 1 72 चतुर्युगी लमसम, 72 चतुर्युग का शासन काल होता ये एक इंद्र का। वो इंद्र अपना पूरा कर लेता है तो दूसरा जो उसने इस योग तपस्या कर रखी है वो उसमें लाइन में खड़ा होता है उसका, तो उसको शासन दे दिया जाता है। और वो लड़की जो उसकी पत्नी है वो कहती है, मैं लगातार उन 14 इंद्रों की पत्नी बनी रहूंगी जब तक एक दिन पूरा नहीं होगा। अब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि जब वो इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? उस लड़की ने बताया कि मैं 14 इंद्रों को पति बनाऊंगी और मैं नौ की नौ बनी रहूंगी, वो मरते रहेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 भी तो मरेंगे जबकि एक रहेगी। तब वो कहती है, उसको मालूम है कि जितने इंद्र मैं पति बनाऊंगी वो तो गधे बनेंगे मृतलोक में, और मैं गधी बनूंगी जब मेरा युग पूरा समय हो लेगा। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगा, फिर मुझे वहाँ किस लिए ले जावा थी इसे गंदे लोक में, जिसकी रानी गधी बने राजा गधा बने? तो कहती है, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, नहीं मुझे वो दुहागन कर देंगे। मार्कंडेय ऋषि कहता है कि तू आज भी गधी 14 खसम करेगी, और मेरे पास है तू आप पैमान रिक में गधी बनूंगी, और फिर भी इज्जत की ठेकेदार बन रही है, तो बोला भाग यहाँ से। अब उसी समय इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा कि हे बंद निवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगा, रे भोले व्यक्ति, अरे इंद्र तू क्या कह रहा है? इंद्र का राज मेरे लिए तो काग की बीट है, कौन गदा बने इसको भोग कर, और तू रख अपने, मुझे जरूरत नहीं।
अब वो जैसा जिसने ज्ञान है, मार्कंडेय ऋषि इंद्र जी को कहते हैं कि इंद्र तू छोड़ दे इस राज ने, आजा मैं तुझे ब्रह्म साधना बताता हूँ, या कर ले अपने आत्माओं। मार्कंडेय ऋषि को ब्रह्म साधना का बेरा था, ज्ञान था। अब कल आपको बताया था गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में बताया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी जन्म मृत्यु के अंदर है, फिर पुनरावृत्ति में आते हैं। कंप्लीट मोक्ष नहीं है, संपूर्ण मोक्ष नहीं। अब देखो पुण्यात्मा क्या बन रही है हमारे साथ, कहाँ खड़े हैं। जैसे आज कोई अच्छा अफसर है, IAS IPS इंजीनियर या कोई अच्छा डॉक्टर है या कोई MLA MP मंत्री बन रहा है, अब उसको कोई समझावे नू जाके कि आजा भक्ति कर ले, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में चलेंगे, तो वो क्या कहेगा कि ना इबता मैंने मौज करने दे, फिर देखेंगे। तो वही इंद्र ने कहा, इंद्र बोला महाराज जी इब तो मैंने मौज करने दो, फिर कभी देखूंगा। बता अब फिर के देखा, अगर दाबने पाचे फिर तो कुमार देखेगा तने, डायमंड का बोरा कड़पा मारेगा लठगट्टों पर घुटनों पर देखना। अब देख जो संत बता रहे हैं ये साधना कर, इन साधनाओं का निर्णय करो। जैसे मार्कंडेय ऋषि बता रहा था उसको ये कर ले, उसका आपको बता दिया कि वहाँ गए वे प्राणी वापस आएंगे, फिर क्या खाक साधना वो। अब ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, ये स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट इसका समाधान इस दास के पास परमात्मा ने दे रखा है, ले और कल्याण कराओ। दो अक्षर की बात है। अब क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वृंदराया, विष्णु नाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया, फिर भी जन्म मृत्यु तुम रहा। फिर क्या बताते हैं, अब जैसे आपको बहुत बार प्रमाणित किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाशवान देवी भागवत देवी पुराण के तीसरे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप 123 पृष्ठ पर गीता प्रेस से प्रकाशित में स्पष्ट किया है कि विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि दुर्गा अपनी माता को कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हमारा आविर्भाव और त्रिर्भाव होता है, हम अविनाशी नहीं है। इसे सिद्ध हो गया कि तीनों देवता नाशवान अतो पुजारी भी नाशवान, उनका वो स्थान उनको नहीं मिल सकता जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये काल है ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी कहते हैं। और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत ये लोक तरम अविश्य विवर्ति अवे ईश्वर है, ओय होय इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वास्तव में वो है अविनाशी। अब जैसे सात ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, सात विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु, उसके बाद ऐसे 70,000 बार जब शिव मर लेंगे तो एक बार ये ब्रह्म मरेगा, ये काल मरेगा, एक इसके ब्रह्मांड का नाश होगा, और वो एक युग होगा अक्षर पुरुष का, एक युग, नोट चतुर्युग, ओनली एक युग, और ऐसे ऐसे 1,000 युग का दिन होगा उस अक्षर पुरुष का, इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का उसका महीना होगा, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की भी आयु है, और वो भी मरेगा। यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि वो है वास्तव में अविनाशी जो इन दोनों से भी अन्य है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, सब प्राणियों का जो उत्पादन करने वाला है। अब क्या है, असंग जन्म तो न मरत्या हो गए जीवित क्यों न मरे रे, दवा दस मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तो न मरत्या हो गए, एक बार जीवित मर के देखो, जीवित कैसे मरना है। एक तो संसारिक इन चोचलों से, इन जूठे सुख से वापस हटाना मन को,
बीड़ी शराब मांस तमाखू, लोग दिखावा कोठी बनाना, लोग दिखावा ब्याह में शादियों में बकवाद करना, नाचना गाना, एक तो इनसे आपने मन हटाना है, लोगों की बकवाद देखकर उधर बहना नहीं है, उधर नहीं जाना है। और दूसरा मरना ये है, जैसे आप जिन वस्तुओं के लिए सारा इकट्ठी करने के लिए संपत्ति के लिए अपना सारा जीवन डिवोट कर देते हो आजीवन, और एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है और जोड़ा जाड़ा रह जाता है, आप कहीं पशु बनकर घूम रहे होते हो, ऐसा धोखा आपके साथ है। अब क्या बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति जा रहा था नाइट सर्विस में और उसने सुबह जल्दी वापस आकर कोई मकान बना हुआ था, घना जरूरी काम था, रातों रात जा रहा था कि जल्दी आके ये काम करूंगा, नाइट सर्विस में वो दुर्घटनाग्रस्त होगी, नाइट सर्विस वाली बस वही मर गया। अब स्पीड तनों खींच रहा था, रात ने भी समय निकाल के सुबह आके काम करूंगा और परमानेंट गया, वो सारा काम धरा धरा रह गया। अब क्या बताना चाहते परमात्मा कि ये सब के अगेला बीतेगी, सब के साथ बीतेगी आपके, ये ना समझना कि उससे अगेल घटना घटगी बाकी आप सुरक्षित हो। आप सुरक्षित तब होगे जब भगवान कबीर साहब की शरण में आ जाओगे, इस दास के माध्यम से ये उपदेश ग्रहण कर लोगे और मर्यादा में रहोगे।